अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द वीडियो लेक्चर्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। आई एम फरहान सरवर एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस विद SPSS। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ द लेक्चर। हमने अपने प्रीवियस 2 पार्ट्स में डिस्कस किया कि SPSS इंटरफेस यानी SPSS सॉफ्टवेयर होता कैसा है, उसके अंदर हमने किस तरीके से डाटा एंटर करना है, उसके कुछ मेन्यूज़ को हमने देखा, और फिर हमने ये देखा कि उसका एक डाटा एडिटर होता है जिसके अंदर डाटा व्यू और वेरिएबल व्यूज़। वेरिएबल व्यूज़ में आप सबसे पहले अपने वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। अगर आप क्वेश्चनेयर से डाटा एंटर कर रहे हैं तो आपका जो भी एक क्वेश्चन होगा वो आपका एक वेरिएबल बन जाएगा, और फिर आप फर्दर उसके जो स्केल्स वाले क्वेश्चंस होंगे यानी जो आपके वो क्वेश्चन जो डेमोग्राफिक से हट के हैं, जो स्टडी बेस्ड वेरिएबल्स के क्वेश्चंस हैं, उनसे आप अपना वेरिएबल्स जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे। अगर आप सेकेंडरी डाटा जिसके अंदर आपको डायरेक्टली एक वेरिएबल का डाटा अवेलेबल है तो आप उस वेरिएबल को डिफाइन करके फिर उसका डाटा एंटर कर देंगे। डाटा व्यू में एक कॉलम जो है वो एक पर्टिकुलर वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है, और एक रो जो है वो एक रिस्पोंडेंट को या एक क्वेश्चनियर को या एक डाटा पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हम अपने डाटा को एंटर करने से पहले अपने क्वेश्चनेयर्स को कोडिंग करते हैं। कोडिंग का प्रोसेस का ये मतलब होता है कि आपके पास जो भी रिस्पॉन्सेज हैं, अगर वो कुछ कैटेगरीज हैं जैसे मेल और फीमेल की कैटेगरी है इन जेंडर, तो आप उनको नंबर असाइन कर देते हैं। आर्बिट्री नंबर होते हैं, आपकी अपनी चॉइस होती है आप कौन सा नंबर किसको असाइन करें, सिर्फ आपके पास उसकी की होनी चाहिए। अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस कोई इस किस्म का, ये देखें ये नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पे इस बटन को प्रेस करके वैल्यू लेबल्स को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा नंबर असाइन किया है हमने किस कैटेगरी को। उसके साथ साथ जो स्केल्स बेस्ड आपके वेरिएबल्स होते हैं, जैसे लिकट स्केल वेरिएबल होता है फ्रॉम स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री, 5 पॉइंट है या 7 पॉइंट है, तो आप उतने ही नंबर्स असाइन कर सकते हैं इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। इट इज़ द प्रैक्टिस इज ऑलवेज अप्रिशिएबल कि आपका जो लोअर नंबर है वो आपके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लोअर वैल्यू को रिफ्लेक्ट करे, और इसी तरीके से हायर नंबर हायर वैल्यू को रिफ्लेक्ट करे। फिर डाटा स्क्रीनिंग को हमने देखा कि जब डाटा स्क्रीनिंग होती है तो हम किस तरह अपने रिस्पॉन्सेज को एडिट कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज को एनालाइज कर सकते हैं, आउटलायर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ बाई मिस्टेक अगर एंट्री हो गई है तो आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अनएंगेज रिस्पॉन्सेज को भी आपको मैनुअली देखना पड़ता है या आपकी सब्जेक्टिव जजमेंट होती है, और साथ साथ हम डाटा को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, रिकोड इनटू अ न्यू और डिफरेंट वेरिएबल। यहाँ पे आज पार्ट 3 में हम फर्दर डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू फाइंड द रिलायबिलिटी ऑफ अ क्वेश्चनेयर एंड हाउ टू फाइंड हाउ टू कंप्यूट अ वेरिएबल एंड हाउ टू डू फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। रिलायबिलिटी ऑफ अ क्वेश्चनेयर फाइंड करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा एक क्वेश्चन इसमें नेगेटिव था जो मैंने अभी तक आप लोगों को डिस्कस नहीं किया था ताकि हम इस लेक्चर में उसको हैंडल कर सकें। और नेगेटिव क्वेश्चन का मतलब, और नेगेटिव क्वेश्चन हम रखते इसलिए हैं कि हम अपने क्वेश्चन ईयर में अनएंगेज रिस्पॉन्सेज जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर सकें। तो समटाइम्स नेगेटिव क्वेश्चंस जब हमने उनको एनालाइज करना होता है तो उसको हमें रिवर्ट करके यानी फ्लिप करके हम उसको पॉजिटिव बना देते हैं, और वो बड़ा एक सिंपल प्रोसीजर होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो FOT3 है ये एक नेगेटिव क्वेश्चन था, तो आप ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन को यूज़ करें और रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। आल तो मैंने आपको बताया था आप रिकोड इनटू सेम वेरिएबल भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि आपका वो प्रीवियस वेरिएबल जो है वो ओवरराइट हो जाएगा, तो आप रिकोड इनटू अ डिफरेंट वेरिएबल करें। अच्छा, उसके बाद आपका जो FOT3 था, ठीक है, FOT3 इसको सेलेक्ट करें। अच्छा, अब इसका एक न्यू नेम सजेस्ट करें जिसको आप करें FOT3 रिवर्स। ठीक है, इसको हमने पॉजिटिव बना दिया, लेबल भी सेम ही रहने दें। उसके बाद आप इसको चेंज का बटन प्रेस करें तो यहाँ पे देखें ये FOT3 सेलेक्ट हो गया। अब ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें। अब प्रोसीजर इज सिंपल कि आपने फ़्लिप करना है। फ़्लिप करने का मतलब है कि अगर आपकी ऑप्शन 1 थी तो आप उसको ऑप्शन नंबर 5 बना दें। अच्छा, यहाँ पे चूंकि पहले मैंने प्रोसीजर यहाँ पे किया हुआ है तो ऑलरेडी इसने
इसको सेव रखा हुआ है, मैं पहले इसको रिमूव करता हूँ ताकि आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है तो उसको आप 5 कर दें, ऐड कर दें। वैल्यू 2 है तो उसको आप 4 करके ऐड कर दें। 3 है तो 3 एज इट इज़ रहेगा, इसको आप बेशक ना भी लिखें तो वो 3 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन अगर मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो वो फिर उन मिसिंग वैल्यूज़ में भी 3 ऐड कर देगा, इसलिए बेहतर आप इसको यहाँ पर लिख दें। 4 है तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ऑप्शन 5 है जैसे स्ट्रांगली एग्री तो वो स्ट्रांगली डिसएग्री ऑप्शन 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। कंटिन्यू करें, यहाँ पे देखें अगर आप इसका लेबल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बेशक उसका लेबल कॉपी पेस्ट कर लें, नहीं तो इसको एज इट इज़ रहने दें एंड प्रेस ओके। ये आपकी व्यूअर विंडो है, व्यूअर विंडो में देखें ये इसने रन की कमांड जो हमने इसको दी है उसको एग्जीक्यूट किया, और हमारे पास एक नया वेरिएबल आ जाएगा एट द एंड ऑफ योर कॉलम, दैट इज़ FOT3 रिवर्स। अब आप जैसे वेरिएबल व्यू में भी देखें तो यहाँ पे एक नया वेरिएबल आ जाएगा, आप यहाँ से इसको ड्रैग करके आप उसको FOT3 की जगह यहाँ पे रख दें, और FOT3 को आप बेशक अगर डिलीट करना चाहें डिलीट कर दें, ऐसे ही रहना चाहें तो ऐसे ही रहने दें। यहाँ से लेबल को कॉपी करें और यहाँ पे लेबल को पेस्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये नॉट हार्म। ठीक है, ये हमने प्रोसीजर सीखा कि किस तरीके से अगर हमारे क्वेश्चन एयर में नेगेटिव क्वेश्चंस हैं तो हम उनको रिवर्स करके पॉजिटिव बना सकते हैं, और हमने जाहिर है उसको एज अ पॉजिटिव ही यूज़ करना है। अब आपके पास जो सेकंड हमने प्रोसीजर मैंने आपको बताना है, दैट इज़ रिलायबिलिटी एनालिसिस। रिलायबिलिटी का मतलब है कि आपके एक पर्टिकुलर वेरिएबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, यानी मोर देन 2 क्वेश्चंस होने चाहिए फिर आप उनकी रिलायबिलिटी एनालिसिस फाइंड कर सकते हैं। वो आपको रिलायबिलिटी एनालिसिस से ये पता चलता है कि किस तरीके से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं वो आपस में कंसिस्टेंट हैं, यानी उस एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से वो वही मैयर कर रहे हैं जो आप उसे मैयर करवाना चाहते हैं इनकन्सिस्टेंटली। तो रिलायबिलिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास SPSS में जो ऑप्शन हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्रॉन बैक एल्फ़ा। आप अपने स्केल में अपने डाटा एडिटर में वापस आएं, एनालाइज की ऑप्शन, स्केल, रिलायबिलिटी एनालिसिस। अच्छा, अब रिलायबिलिटी एनालिसिस में आपने वन बाय वन जो आपके पास पर्टिकुलर स्केल्स हैं जैसे FOT1, FOT2, FOT3, इनको सेलेक्ट करें, और ये मैंने ये स्केल का नाम दे दें फियर ऑफ टेररिज्म। स्टैटिस्टिक्स की ऑप्शन क्लिक करें और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर स्केल एंड स्केल इफ आइटम डिलीटेड इसको चेक रहने दें। समरीज में बेशक मीन को चेक रहने दें, अनोवा टेबल की ज़रूरत नहीं है हमें, बाकी तमाम के तमाम ऑप्शंस जो हैं उनको अनचेक रहने दें वरना कन्फ्यूजिंग आउटपुट आ जाएगी, और प्रेस ओके। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट। अच्छा, अब आप ये देखें कि मैंने FOT3 यानी जिसको मैंने अभी नेगेटिव फ्लिप नहीं किया मैंने वो सिलेक्ट किया था, तो क्रॉनबैक एल्फा नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, और यहाँ पे उसने देखें थोड़ा सा हमें बताया भी है, द वैल्यू इज नेगेटिव ड्यू टू आर नेगेटिव एवरेज को वेरियंस अमंग द आइटम। अब हुआ ये कि हमारे पास दो क्वेश्चंस जो हैं वो पॉजिटिव थे और तीसरा क्वेश्चन जो था वो नेगेटिव था, जिसकी वजह से हमारे पास जो रिलायबिलिटी है वो नेगेटिव है। अब रूल ऑफ थंब ये है कि रिलायबिलिटी शुड बी 0.7 और मोर, यानी अगर आपके वैल्यू ऑफ क्रॉनबैक अल्फा 0.7 या ग्रेटर आती है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर स्केल जो फियर ऑफ टेररिज्म को रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी रिलायबिलिटी जो है वो एडिक्वेट है। सो यू मे वॉन्ट टू चेक आइटम कोडिंग, यानी उसको भी सॉफ्टवेयर को भी अंदाजा हो गया कि इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव है, तो उसका क्या हल है वो हमने पहले से ही हल सोचा हुआ है कि हमारे पास FOT3 जो है वो एक नेगेटिव क्वेश्चन था, हमने ऑलरेडी उसको पॉजिटिव बनाया यूजिंग रिवर्स, उसको सेलेक्ट करें, प्रेस ओके। और अब आप ये देखें कि आपकी नई वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी इज 0.802। ठीक है, ये वैल्यू 0.802 की जो है वो आपके लिए ये आपको बता रही है कि आपकी रिलायबिलिटी जो है वो सफिशेंट है। अच्छा, अब देखें
120 टोटल केसेस थे, एक्सक्लूडेड जीरो, इसका मतलब है कि हमने मिसिंग वैल्यू एनालिसिस पहले ही कर लिया था। फिर ये रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है जो 0.802 आपको बता रही है। नंबर ऑफ आइटम्स 3 हैं इसके अंदर, आइटम्स का मीन 2.95 है, मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है, ये रेंज है, ये वेरियंस है। और ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट होता है अगर आपके पास जो रिलायबिलिटी है वो लेस देन 0.7 आ रही है, फिर आप इस टेबल को देखेंगे। और ये टेबल आपको ये बताएगा कि कौन सा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन यानी एक पर्टिकुलर आइटम को डिलीट करने से आपको ज़्यादा रिलायबिलिटी मिल सकती है। ये जो हमारा इससे पहले एक एनालिसिस था जिसमें मैंने नेगेटिव FOT3 को यूज़ किया था, तो देखें ये टेबल हमें यहाँ पे बता रहा है कि अगर FOT3 को डिलीट कर दिया जाए तो आपको फिर रिलायबिलिटी 0.7 मिल सकती है। तो रिमेंबर कि FOT3 वो क्वेश्चन था जो ऑलरेडी नेगेटिव क्वेश्चन था आपके क्वेश्चनेयर में, लेकिन हमने प्रोसेस करके उसको पॉजिटिव बनाया और फिर हमने उसकी रिलायबिलिटी फाइंड की। इसी तरह फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको एक और स्केल की रिलायबिलिटी चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं इमोशनल सपोर्ट का स्केल, ठीक है, इसके ये 9 क्वेश्चंस हैं, इसको सिलेक्ट करें, इसको यहाँ पे बेशक लेबल कर दें इमोशनल सपोर्ट, स्टैटिस्टिक्स में क्लिक करें तो देखें डिस्क्रिप्टिव फॉर स्केल एंड स्केल इफ आइटम डिलीटेड, कंटिन्यू, प्रेस ओके। देखें स्केल इमोशनल सपोर्ट, ये आउटपुट विंडो में आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स 0.757 फॉर द 9 आइटम्स। आपने क्या देखना है, क्रॉनबैक अल्फा, और मैंने आपको कौन सा रूल ऑफ थंब बताया था कि अगर रिलायबिलिटी क्रॉनबैक अल्फा 0.7 से प्लस है तो फिर आप कहेंगे कि आपकी स्केल की रिलायबिलिटी सफिशेंट है। कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन डिलीट करने की ज़रूरत पड़ सकती थी हमें, फॉर एग्जांपल अगर हमारी कम होती तो हो सकता है हम ES4 को डिलीट कर देते तो हमारी इंक्रीज हो जाती क्रॉनबैक अल्फा, देखें 0.757 है, लेकिन अगर हम ES4 को डिलीट कर दें तो 0.78 हो सकती है, लेकिन ये उसी सूरत में कि अगर आपकी रिलायबिलिटी जो है वो लेस देन 0.7 है। इस रिलायबिलिटी को हम कहाँ पे अपने रिसर्च रिपोर्ट में या रिसर्च पेपर में लिखते हैं, तो मैं आपको उसकी भी एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। ये देखें एक हमारे पास रिसर्च पेपर है जिसमें मैयर्स का सेक्शन है जहाँ पे आप बताते हैं कि आपने कौन से मैयर्स यूज़ किए या अडॉप्ट किए फ्रॉम प्रीवियस स्टडी या डेवलप किए फॉर योर ओन स्टडी, ठीक है। उस मैयर्स के सेक्शन में ये देखें जॉब डिमांड्स एक वेरिएबल है, उसके मैयर्स, जॉब रिसोर्सेज एक डेवलप वेरिएबल है, उसके मैयर्स, ठीक है। इसी तरह वर्क टू फैमिली कन्फ्लिक्ट एंड वर्क टू फैमिली इनरिचमेंट के मैयर्स। अब यहाँ पे देखें 2 सब स्केल्स वर अडॉप्टेड, ठीक है, और देखें उसने जब लिखा तो उसने कहा 4 आइटम्स हैं और अल्फा वैल्यू इज 0.88। नाउ दिस अल्फा वैल्यू इज बेसिकली क्रॉनबैक अल्फा। सिमिलरली वर्क टू फैमिली एनरिचमेंट के 4 आइटम्स हैं और उनकी अल्फा वैल्यू है 0.73। प्रीवियसली भी अगर आप देखा जाए तो ये जॉब डिमांड्स का जो डायमेंशंस थे वर्कलोड उसमें अल्फा वैल्यू है 0.78, ठीक है। उसी तरह हमारे पास जो जॉब डिमांड्स की दूसरी डायमेंशन है इमोशनल डिमांड्स, उसकी वैल्यू है 0.77, ठीक है। इसी तरीके से जॉब रिसोर्सेज में जो जॉब कंट्रोल है उसकी अल्फा वैल्यू 0.7 एंड, और आप कहीं पे भी देखेंगे तो अल्फा वैल्यू 0.91 जो है, पॉइंट ग्रेटर देन 0.7 जो है वो मैंशनड होगी। इन फ्यू केसेस ग्रेटर देन 0.6 भी अलाउड है, बट ज़्यादातर रिसर्च जो है वो 0.7 को सपोर्ट करती है। तो ये हमें पता चल गया कि किस तरीके से हम अपने किसी भी क्वेश्चनेयर की रिलायबिलिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम अब अपने किसी वेरिएबल को कंप्यूट करते हैं, और SPSS में जो कंप्यूट का मेथड यानी हम किसी एक वेरिएबल को जो कैलकुलेट करते हैं उसका मेथड है यूजिंग आइदर मीन और सम, और इट इज़ द सेम थिंग अगर आप मीन ले लें या उसका एक सम ले लें, लेकिन आपको सारे वेरिएबल्स के साथ सेम ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो आप ट्रांसफॉर्म में जाएं, वहां पे देखें जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज कंप्यूट वेरिएबल। अब देखें FOT यानी हमारा एक वेरिएबल है फियर ऑफ टेररिज्म, मैं इसका नाम रख देता हूँ फियर ऑफ। अच्छा, अब आपको याद है कि जब वेरिएबल हमने कंप्यूट करना है या वेरिएबल को डिफाइन करना है तो वहां पे स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है। तो मैं इस वेरिएबल का नाम भी FOT रख देता हूँ, और FOT इज इक्वल टू FOT1
प्लस, अब देखें यहाँ पे प्लस का इंडिकेटर है, FOT2 प्लस FOT3 रिवर्स जो हमने किया था। अगर आप इसका एवरेज निकालना चाहें तो होल इन ब्रैकेट 3, ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेज आ जाएगी। प्रेस ओके। अच्छा आप देखें कंप्यूट FOT, ये एवरेज का फार्मूला, और एग्जीक्यूट। अब हम अपनी एडिटर, डाटा एडिटर विंडो में जाते हैं, तो यहाँ पे देखें FOT के नाम से ये एक नया वेरिएबल कंप्यूट हो गया। इसका अब लेबल फियर ऑफ टेररिज्म, ये आप लेबल इसका बना दें। सेम प्रोसीजर आप यूज़ कर सकते हैं बाकी तमाम वेरिएबल्स को कंप्यूट करने के लिए। अच्छा अब जिस तरह मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है उस तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूलाज गिवन भी हैं, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो अरिथमेटिक में जाएं, और अरिथमेटिक में आप देखेंगे तो अरिथमेटिक में नहीं होगा, ये हमारे पास सम का फार्मूला, अच्छा ये मीन का फार्मूला और मीडियन और सम का फार्मूला, ये स्टैटिस्टिकल फंक्शनल ग्रुप में अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे मीन को सिलेक्ट करें, ठीक है। अच्छा आपने मीन को सिलेक्ट किया, उसके बाद आप मीन किसका निकालना चाहते हैं, आप ये तमाम नंबर्स जो हैं यहाँ पे इनपुट करें। अच्छा आप टाइप भी कर सकते हैं, ये देखें ES1, अब ये सारे आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ES2 कॉमा ES3 कॉमा ES4 कॉमा ES5 कॉमा ES6 कॉमा ES7 कॉमा ES8 कॉमा ES9। तो ये देखें मीन का फार्मूला मैंने ये फंक्शन ग्रुप से सेलेक्ट किया, प्रेस ओके। अच्छा अब यहाँ पे टारगेट वेरिएबल का नेम चेंज करें, इमोशनल सपोर्ट, प्रेस ओके। मीन का फंक्शन रन हुआ। अब देखें प्रीवियसली हमने खुद से मीन का फार्मूला लिखा था, लेकिन अब हमने मीन का फार्मूला जो है वो ऑलरेडी जो बिल्ट इन है वो यूज़ किया है। रिजल्ट सेम ही होंगे, आप अगर उसको चेक करना चाहें तो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक नया वेरिएबल आ गया, इमोशनल सपोर्ट। इसी तरीके से मैं बाकी तमाम वेरिएबल्स भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे मैंने चारों जो वेरिएबल्स थे हमारे फ्रेमवर्क में, और वो कौन सा फ्रेमवर्क था मैं आपको एक दफ़ा उसको दोबारा दिखा देता हूँ, कि ये हम फ्रेमवर्क था जिस पे काम कर रहे हैं, जिसमें फियर ऑफ टेररिज्म का नेगेटिव इफेक्ट पे क्या रिलेशनशिप है, और फिर नेगेटिव इफेक्ट का साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस पे क्या रिलेशनशिप है। नेगेटिव इफेक्ट इज़ अ मीडिएटर, उसके बाद हमारे पास फियर ऑफ टेररिज्म का डायरेक्ट रिलेशनशिप भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस पे, और इमोशनल सपोर्ट एज अ मॉडरेटर इस पूरे फ्रेमवर्क में हमारे पास आता है, और वो मॉडरेटर है बिटवीन फियर ऑफ टेररिज्म एंड नेगेटिव इफेक्ट। अच्छा अब ये जो हमारे पास चार वेरिएबल्स कंप्यूट होके आ गए, ठीक है, इनके मैंने लेबलिंग भी यहाँ पे कर दी। डाटा व्यू में जाएंगे तो आपको वो नज़र आएगा, एट द एंड ये चारों वेरिएबल्स चार कॉलम्स में आ गए हैं। साथ साथ मैं अपना जो भी कैलकुलेशंस कर रहा हूँ मैं उसको सेव करता जाऊँ वर्ड की फाइल में, तो बाद में मुझे कुछ रिसर्च रिपोर्ट में जब इम्पोर्ट करना है या उसको उसके अंदर टाइप इन करना है तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, वो मेरे पास इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। क्योंकि जो वेरिएबल जो हमारे पास आउटपुट विंडो है, ठीक है, वो थोड़ी सी मैसी हो जाती है, उसके अंदर से हम सारे के सारे टेबल्स जो हैं वो कॉपी नहीं कर सकते, और हमें ज़रूरत भी नहीं होती, हमें वही इंफॉर्मेशन लेनी है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्रॉन बैक एल्फा, यहाँ पे बेशक आप एल्फा का सिंबल भी साथ लिखते हैं, जो रिसर्च पेपर्स में एल्फा का सिंबल लिखा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये अब रिलायबिलिटी, ठीक है, उसका हमारे पास रिजल्ट्स हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अच्छा अब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है, आइए मैं आपको एक रिसर्च पेपर में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस दिखाता हूँ, कि जब हम अपना मेथडोलॉजी में अपना सैंपल के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो अब जिस तरह देखें रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है 265 ऑफ द 300 डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चनेयर वर रिसीव यील्डिंग अ रिस्पॉन्स रेट ऑफ 88%, ठीक है। उसके बाद डाटा स्क्रीनिंग करने के बाद उनको जो टोटल है वो 259 वैलिड रिकॉर्ड्स मिले। अच्छा आप देखें यहाँ पे ये एनालिसिस हुआ हुआ है जिसको हम डेमोग्राफिक एनालिसिस कहते हैं, कि देयर वर 85 मेल टीचर्स
एंड 167 फीमेल टीचर्स, यानी ये फ्रीक्वेंसीज भी हैं और परसेंटेज भी हैं। अ टोटल ऑफ 7 पार्टिसिपेंट डिड नॉट इंडिकेट देयर जेंडर। अच्छा, उसके बाद आगे ये देखें कि पार्टिसिपेंट एज वेरीड रेंज फ्रॉम 23 to 51 विद एन एवरेज एज ऑफ 36.62 ईयर्स। अब ये वाला एनालिसिस जो है ये आपने किस तरीके से करना है SPSS में, आइए मैं आपको करके दिखाऊं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि कौन सा वेरिएबल जो है वो किस तरह के स्केल से मैयर हुआ है, यानी जो हमारे नॉमिनल और ऑर्डिनल वेरिएबल्स होंगे, जैसे ये मैरिटल स्टेटस, जेंडर, डिग्री, ठीक है, इसका तो हम एनालिसिस करेंगे फ्रीक्वेंसीज बेस्ड। ठीक है, वो कैसे होगा, आप इसको सिलेक्ट कर लें, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, डिग्री। अच्छा, आप क्या इसमें चार्ट्स भी लगाना चाहते हैं? चले हम कहते हैं कि साथ आप एक बार चार्ट भी कर दें। ठीक है, चार्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसीज पे रखनी है, परसेंटेज पे रखनी है, योर चॉइस, उसको तरीके से देख लें। स्टेटिस्टिक्स कौन कौन से, आई थिंक इनका मीन मोड मीडियन की जरूरत नहीं है, इसलिए स्टेटिस्टिक्स को रहने दें एंड प्रेस ओके। और यहां पे कंप्यूट होगा, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज का रिजल्ट आ गया। सबसे पहला टेबल है स्टेटिस्टिक्स का, जिसमें 120 मैरिटल स्टेटस के नो मिसिंग, जेंडर में नो मिसिंग, डिग्रीज में 3 आर मिसिंग। इसका मतलब है 3 लोगों ने अपनी डिग्रीज के बारे में हमें रिप्लाई नहीं किया, और हमने यहाँ पे मिसिंग वैल्यू एनालिसिस किया भी नहीं था। उसकी वजह यह थी कि हमें मिसिंग वैल्यू एनालिसिस जो है वो स्केल्स में होता है, जो स्केल्स के क्वेश्चन है, जो आपके डेमोग्राफिक क्वेश्चन हैं उसके अंदर आप मिसिंग वैल्यू एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर होल नंबर ही आपको चाहिए। अच्छा, अब पहला फ्रीक्वेंसी टेबल है, दैट इज मैरिटल स्टेटस, दूसरा है जेंडर, और तीसरा है डिग्रीज। अच्छा, अब आप देखें कि चूंकि आपने वहां पे लेबलिंग ऑलरेडी की हुई है, तो आपको आउटपुट विंडो में यहां पे नजर आ रहा है जो आपने ऑप्शंस उसको दी हैं, यानी 1 मींस मैरिड, 2 मींस अनमैरिड। ये ऑप्शंस जो हैं ये आप अपने ऑप्शंस की विंडो में जाके, ठीक है, आप इसको कहें आउटपुट में डिस्प्ले लेबल्स, ठीक है, यहां पे कहें डिस्प्ले लेबल्स, लेबल्स, अच्छा जर्नल में भी यहां पे इसको कहें डिस्प्ले लेबल्स, ठीक है, प्रेस ओके। अच्छा, अब ये दोबारा से इसको एनालाइज करें, डिस्क्रिप्टिव में जाएं, फ्रीक्वेंसीज दोबारा से सिलेक्ट करें, मैरिटल स्टेटस, जेंडर एंड डिग्री, एंड प्रेस ओके। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि यहां पे फ्रीक्वेंसी टेबल जो आपके, अच्छा भी वो आप ने चार्ट जो है वो बार चार्ट भी सिलेक्ट करना है, ओके। अच्छा, अब आपके पास यहां पे फ्रीक्वेंसी टेबल है मैरिटल स्टेटस का, जेंडर का और डिग्री का, ठीक है। अच्छा, अब ये टेबल हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास जो 14% है वो मैरिड रिस्पोंडेंट हैं, और 106 यानी 14 यानी विच इज़ 11% आर मैरिड रिस्पोंडेंट एंड 106 आर अनमैरिड, ठीक है, विच इज़ 88.3 आउट ऑफ टोटल 120। आप बेशक ये टेबल एज इट इज़ कॉपी करें और इसको आप वर्ड में पेस्ट कर दें। कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। अब यहां पे बेशक आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके इसकी हेडिंग वगैरह बना के आप इसको अपनी रिपोर्ट में फर्दर कॉपी पेस्ट दोबारा कर सकते हैं। एक और तरीका यह है कि आप इसको एक्सेल में कॉपी करके वहां पे इसकी फॉर्मेटिंग करें, वहां पे ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, अगर मैं इसको एक्सेल में कॉपी करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे ये वैलिड परसेंटेज जो है ये नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसका जो फॉन्ट है वो भी चेंज कर दूँ, उसके बाद मैं इसके कलर्स वगैरह जो हैं उनको भी चेंज कर दूँ, ठीक है। अगर आप इसको एक्सेल में कॉपी पेस्ट एज टेक्स्ट कर दें तो आपके पास ये सिंपल टेबल आ जाएगा।
ठीक है, आप इस टेबल को यहाँ पे जिस तरीके से चाहें एडिट करके अपनी रिपोर्ट में रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें ये जेंडर का टेबल, ये डिग्री का टेबल, ये आपके पास टेबल्स आ गए। सेम इन्फॉर्मेशन आपके पास इन द फॉर्म ऑफ बार चार्ट भी है। अगर आप विजुअली उस फ्रीक्वेंसीज को दिखाना चाहते हैं तो आप ये बार चार्ट जो है इसको भी यहाँ से कॉपी करके अपनी रिपोर्ट में पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लेबलिंग देखें, ये वेरिएबल का नेम नज़र आ रहा है, ठीक है, तो लेबल जो है मैरिटल स्टेटस नहीं नज़र आ रहा है। इसकी दो वजूहत हो सकती हैं, एक तो ये कि हमने लेबल यहाँ पे लिखा ही नहीं, तो हम यहाँ पे लेबल लगा देते हैं, ठीक है, तो अब ये मैरिटल स्टेटस का लेबल जो है यहाँ पे नज़र आएगा। जेंडर, डिग्री, एज, उसका तो मसला नहीं है, वो ऐसे ही रह सकते हैं। या आप यहाँ पे एजुकेशन लेवल लिखते हैं, ठीक है, एज ए लेबल। दूसरी वजह यह है कि आप अगर जाएं एडिट में ऑप्शंस और यहाँ पे आउटपुट टैब, तो आउटपुट टैब में आप ये देखें, ये ऑप्शन है कि जो आपके टेबल्स हैं उसमें नेम्स आएँ, लेबल्स आएँ, या नेम्स और लेबल्स दोनों नज़र आएँ। ठीक है, अगर मैं नेम्स और लेबल्स दोनों ऑप्शन अवेलेबल कर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसी तरह यहाँ पे मैं सिर्फ नेम्स के ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो अब आप देखें जब हम इसको दोबारा से एनालाइज डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, अब ये मैरिटल स्टेटस है, मैं चाहता हूँ कि इसकी आउटपुट चार्ट जो है वो एक पाई चार्ट आए, ठीक है, कंटिन्यू, ओके। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, अच्छा यहाँ पे सिर्फ जो है वो नेम आ रहा है, यहाँ पे देखें लेबल भी आ रहा है। तो आप एडिट में जाएं, ऑप्शंस में जाएं और इसको सिर्फ, अच्छा इसको आप लेबल करते हैं, प्रेस ओके और अप्लाई का बटन भी कर दें, ओके भी हो जाएगा। दोबारा से इसको एनालाइज करें तो देखें अब यहाँ पे लेबल आ रहा है टेबल में, ठीक है। अब आपने फ्रीक्वेंसीज के टेबल्स, आपको पता चल गया जनरेट करने का क्या तरीका है। अगर हमारी स्लाइड्स में भी हमने एक फ्रीक्वेंसी का टेबल जो है उसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है, आप उसको भी ये देखें। रिस्पोंडेंट्स का डिपार्टमेंट, मार्केटिंग है तो इतनी फ्रीक्वेंसी है, इतनी परसेंट है, ये वैलिड परसेंटेज है। वैलिड परसेंटेज जो है वो जो मिसिंग वैल्यू है वो उसमें से ओमिट करके परसेंटेज कैलकुलेट करता है, और ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज है। तो आप जो भी तरीका कार है, अगर आप टेबल्स के थ्रू फ्रीक्वेंसीज बताना चाहते हैं, जिस तरह मैंने आपको अभी एक पेपर में बताया था जिसमें रिटन फॉर्म में कि देर आर 85 मेल टीचर्स ब्रैकेट में परसेंटेज, 167 फीमेल टीचर्स ब्रैकेट में परसेंटेज, अ टोटल ऑफ 7 पार्टिसिपेंट डिड नॉट इंडिकेट देयर जेंडर। ये तो हो गया हमारा उन वेरिएबल्स जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, जो कैटेगोरिकल्स हैं, वो वाले वेरिएबल्स जिसमें मैंने एज अ होल नंबर एक रेशियो स्केल को यूज़ करके आंसर जो है वो डिमांड किया है अपने रिस्पोंडेंट से। जिस तरह हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चनेयर में एज और टेन्योर ऑफ स्टे का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक होल नंबर आंसर डिमांड करता है इन अ कॉन्टिन्यूस फॉर्म, ठीक है, तो उसके लिए हम फ्रीक्वेंसीज नहीं करते, उसके लिए फिर हम डिस्क्रिप्टिव इन मीन एनालिसिस और स्टैंडर्ड डेविएशन एनालिसिस करते हैं। तो ये देखें एज और टेन्योर ऑफ स्टे, ठीक है, और यहाँ पे टेन्योर ऑफ स्टे को हम पहले जो है वो एक स्केल बना लेते हैं। अब उसको एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, गो टू डिस्क्रिप्टिव, एज और टेन्योर ऑफ स्टे इसको सिलेक्ट कर लें। उसकी देखें ऑप्शंस हमने कौन सी, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है, कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस पे भी क्लिक कर दें, कंटिन्यू, प्रेस ओके। तो ये देखें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आपके पास आ गया। जो एज हमारे पास मिनिमम 20, मैक्सिमम 40, इसका मीन है 24.7, स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.9, इसी तरह टेन्योर ऑफ स्टे टोटल एन, मिनिमम 1, मैक्सिमम 10, मीन इज 4.1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.3। अब ये आप टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या जिस तरीके से यहाँ पे मेंशनड है दैट पार्टिसिपेंट एज रेंज फ्रॉम 23 to 51, ये रिसर्च पेपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह जब आप अपना एनालिसिस करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे पार्टिसिपेंट एज रेंज फ्रॉम 20 to 40,
सिमिलरली विद एन एवरेज एज ऑफ 36.62 ईयर्स, तो हमारे इस डाटा में एन एवरेज एज ऑफ 24.75 ईयर्स, और उसके बाद क्या है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है, दिस इज एपीए फॉर्मेट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6.79, हमारे डाटा में स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.91। तो वो वाले कैटेगरी का, वो वाले डेमोग्राफिक वेरिएबल्स जो कॉन्टिन्यूस होते हैं, उनमें कैटेगरीज नहीं होती, उनका आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके आप उनको एनालाइज करते हैं। अच्छा अब देखें आगे ये कंटिन्यू कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन 95.8% हैड अ बैचलर डिग्री एंड 3.5% हैड अ ग्रेजुएट डिग्री और अबव। तो हमने जब ये एनालिसिस किया, गो टू एनालाइज डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज, अब मैं यहाँ पे आपको कौन सा एनालिसिस करने लगा हूँ, डिग्री, ठीक है, प्रेस ओके। तो इन ओवर डाटा 66% या 66 हैज विच इज 55% हैज ग्रेजुएट डिग्री, 22 पीपल विच इज 18.3% हैज अ मास्टर्स डिग्री, 12 पीपल विच इज 10% हैज एमफिल डिग्री एंड 9 हैज पीएचडी, 8 हैज डिप्लोमास एंड टोटल इज 117, 3 पीपल डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ डेमोग्राफिक्स। आप यहीं से कॉपी करके इसको या वर्ड की फाइल में या एक्सेल की फाइल में इसको पेस्ट कर लें, वहाँ पे पेस्ट एज इस तरह करके, यहाँ पे इस टेबल को आप सेट करें, इसके ये वाले कॉलम्स जो हैं उनको डिलीट कर दें, और इसको आप फिर अपनी वर्ड की फाइल में पेस्ट करके अपनी रिपोर्ट में एंटर कर सकते हैं। तो दिस वॉज अबाउट डिस्क्रिप्टिव एंड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कोरिलेशन एनालिसिस को देखेंगे और रिग्रेशन एनालिसिस, और को भी हम देख सकते हैं कि उसमें हमने किस तरह रिग्रेशन एनालिसिस करनी है, और उसके अलावा मीडिएशन और मॉडरेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।